सोनप्रयाग में हूँ मैं अभी, और ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ मैं ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके हम लोकेशन। भाई के साथ इनके चार दोस्त और थे और एक खच्चर वाला, खच्चर वाला वो जिन्होंने इनको बचाया, एक पत्थर के नीचे इनको छुपाया। क्या कुछ हुआ इन्हीं से जानते हैं। सचिन क्या हुआ था थोड़ा बताएंगे। सर हुआ ये था कि हम पांच लोग थे, हम जा रहे थे, चढ़ाई कर रहे थे। चढ़ाई करने के बाद आगे थोड़ा सा झील सा पानी गिर रहा था, तो खच्चर वाले के पास तीन खच्चर थे, उस पर पैसेंजर थे, वो उन्हें पार कर रहा था। वो रुका, वो कहा, उसने कहा कि हम तुमको पार करवा देंगे। वहाँ पे बर्फ वर्फ भी थी? बर्फ वर्फ कुछ नहीं थी, पहाड़ थे बस, पानी था बस, पानी थोड़ा थोड़ा सा झील सा गिर रहा था नीचे। रामबाड़ा क्रॉस कर चुके थे आप? हाँ, रामबाड़ा क्रॉस कर चुका था। अच्छा, निंचोली क्या? हाँ, छोटी निंचोली। हाँ जी। अच्छा, फिर उसके बाद हमने हाथ पकड़ा था एक दूसरे का पार करने के लिए, अचानक से आवाज आई ऊपर से, धम धम धम, पत्थर ऊपर से बरसात होने लग गए एकदम बहुत तेजी में। उसके बाद हम सब पे पत्थर गिरे, कोई किधर इधर, कोई किधर, पता नहीं चला कहाँ कौन चला गया। आप कैसे बचे? अब मेरे को हाथ पकड़ के ऊपर खींचा गया, पत्थर के नीचे छुपाया गया। और वो खुद भी, दोनों साथ में थे आप? सब साथ में थे। क्या नाम था वो खच्चर वाले? ये नहीं पता, उसने ये नहीं पता भैया, उसने मुझे कपड़े भी दिए थे और जूता भी दिया था पहनने के लिए कि। अच्छा। और रात को कैंपिंग में सुलाया भी था उसने वहीं पे। हाँ, निंचोली में। फिर आप नीचे कब आए? नीचे मैं 16 घंटे के बाद मैंने भैया को फोन करा कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। अच्छा। उससे पहले मैंने पुलिस वालों से बोला, सर मेरे कुछ साथी वहाँ फंस रखे, तो उन लोगों ने मुझसे बोला कि जो पहले जिंदा है हम उन पे काम करेंगे, फिर उसके बाद जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। कहाँ से आए हो? हम आए गाजियाबाद से। ये बड़ा अफसोस है। कुछ फोटोग्राफ्स हैं इन चारों पांचों चारों भाइयों की जो इनके साथ आए थे, अगर आपको आइडेंटिफाई होते हैं तो हम नीचे एक फोन नंबर भी छोड़ रहे हैं इनका, अगर कुछ आपको पता चलता है इनके बारे में। लिंचोली और छोटी लिंचोली के बीच की बात बता रहे हैं ये। बड़ा अफसोस जरूर हुआ है। तो कुछ खाया हुआ है अभी आपने? मैंने अभी कुछ खाया नहीं भैया, पानी पिया था बस कुछ देर पहले, और अभी फ्रूटी। कुछ खाओगे? नहीं, कुछ नहीं खाना। चलिए, बहुत सारी तस्वीरें हैं यहाँ ऐसी, आपको भी कुछ भी ज्ञात हो तो प्लीज बताइएगा।